दोस्तों मैं जाऊंगा, अब जा रहा हूँ बस एक घंटे बाद। संजू तेरा आइए, संजू आ गए पेपर देके। कैसा गया पेपर? फर्स्ट क्लास। अरे यार ये आ गई निकी, ये मरीज आ गई, ये मरीज आ गई। देखिए दोस्तों मैंने इतनी सारी गुजिया बना दी और अब इनको तल रही हूँ मैं। और ये मिकी, अच्छा, और ये मिकी सुबह से परेशान हो रखे आज, मेरा मिकू बीमार हो रखा है मेरा मिकू। तो देखिए दोस्तों फाइनली मैंने आज ये पूरी गुजिया ख़त्म कर दी बना के, नहीं तो मेरे को इतना सिर दर्द हो रहा था कि कब बनेगी कैसे बनेगी। तो ये काफ़ी हो चुकी हैं अब, और गाँव भी भेज दी मैंने कल की बनाई हुई गुजिया और ये आज की बनाई हुई गुजिया बच्चों के लिए और जो हमारे घर में होली के लिए आएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ममता रावत देवभूमि उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और आज फिर अपने न्यू ब्लॉग के साथ दोस्तों। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मेरी 10 बजे से स्टार्ट हो रही है क्योंकि सुबह से बहुत काम था। काम तो अभी भी पूरा नहीं हुआ, काम तो अभी मैं आपको दिखाती हूं क्या क्या काम कर रही हूं मैं। और अभी आई मैं मिक्की को छोड़ के DAV स्कूल में, उसका आज पेपर है और ये भी चले गए ड्यूटी और आज जा रहे हैं दादाजी भी और अभी कर रहे हैं नाश्ता। तो चलिए दोस्तों आज की दिनचर्या आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों मशीन से डाले हुए थे मैंने कपड़े और मैं इनके कपड़े नए गंदे करके डाल रहे थे होली से कि ये मशीन से भी साफ नहीं हो रही, तो मेरे को थोड़ा साबुन लगाना पड़ रहा है इसलिए। और ये हमारे मोहल्ले की आधी रोड बनी हुई थी, यहाँ देखो यहाँ तक बनी हुई थी और अब आगे तक बन रही है। अब बजट आ गया, आगे का काम चल रहा है और यहाँ पे लेबर लगे हुए हैं पत्थर तोड़ने में। अभी पूरी सड़क इतनी इतनी बनेगी तो खेत है ना आगे इतना इतना। गौ माता आ गई, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे काम भी इतना ज़्यादा हो रहा है और हाउसवाइफ के लिए वैसे भी काम घर में हो ही जाता है क्योंकि आज छोटी वाली का पेपर है और बड़ी वाली देहरादून से कल ही आई और वो काम करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे को बहुत बुखार आ रहा है तो अब मुझे एक दिन बंद करना है, मुझे करना है दिन भर काम। अभी बर्तन, अभी मैंने ये देखिए झाड़ू पोछा कुछ नहीं करना क्योंकि सुबह से पहले ऑफिस वालों ड्यूटी वालों को छोड़ो, फिर उसके बाद स्कूल में बच्चों को छोड़ो, ये काम होता था पूरे दिन। और अभी मैं सब को छोड़ छाड़ के और कपड़े धोने के लिए रख रखे मैंने और अपने लिए नहाने के लिए पानी रख रखा है, फिर अब बर्तन धोऊंगी फिर झाड़ू पोछा करूंगी तो ऐसे बन जाते मुझे दिन के 12 बज जाते। और कल मैंने गुजिया भी आज बनाई और आधी गुजिया मुझे आज बनानी है क्योंकि मावा खराब हो जाता, मावा ला रखा है मैंने और मुझे बनानी पड़ेगी चाय जैसे बनाऊंगी, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। और देखते हैं फिर, अभी तो काम हो जाता है, अभी खेत में भी पानी डाल रखा है पाइप से तो अभी वहाँ भी क्यारी भर गई होगी और वहाँ भी निकले मैं देख निकले दादा। और ये हैं दादाजी जो कि तैयार हो चुके हैं घर के लिए, दिखा दे दादा को। अब दादा जा रहे हैं, दादा हमारा साथ इतना ही था, अब मिलेंगे अगली बार। दादाजी जा रहे हैं अब गाँव, अभी तो बहुत देर है, अभी तो जाऊंगा थोड़ी देर में, अभी तो टाइम है। हाँ तो मैं भी, बस दोस्तों मैं जाऊंगा, अब जा रहा हूँ बस एक घंटे बाद दोबारा होली के बाद, अभी तो जा रहा हूँ मैं तो, लेकिन होली के बाद आऊँगा। अच्छा हाँ, मैंने बिल्कुल पोछ साफ कर दिया है बिल्कुल, ये दादा भी जाने के लिए तैयार हुए हैं बिल्कुल, अब साफ साफ लग रहा है बाहर से, रोड भी बनी रही है आगे, रोड बाहर। मम्मी अंदर काम कर रही है, अभी अंदर की सफाई नहीं है, अंदर की मतलब बची है सफाई क्योंकि आज मम्मी अकेली है ना। और यहाँ पे मम्मी बर्तन भी धो रही है, मतलब मम्मी बिल्कुल फ्री नहीं है अभी, वक्त भी अभी काम होता है, सुबह से काम ही काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, छन्नी तोड़ी हो क्या? देखो यहाँ पे पीला पीला पड़ गया, देखो अरे इसको बाहर ही धोना पड़ेगा रेता से। तो फाइनली दोस्तों काम हो गया पूरा, पूरे घर की कर दी मैंने सफाई और देखिए आप ही देख लीजिए टाइम 12:15 हो गए, अब हो रहा है मेरा पूरा काम
सुबह से काम इतना हो जाता है कि मैं काम कर ही नहीं पाती, बहुत सारा काम हो जाता है मेरे। और अब दादाजी भी तैयार हो गए, दिखाती हूँ आपको दादाजी। और ये दादाजी भी तैयार हो गए और दादाजी जाने लगे अब गाँव, अब दूसरे दिन आएंगे। होएगा तैयार बोली बात? हाँ तो ये मयंक जरा दादा को ऊपर तक गढ़वाल टंकी तक छोड़ने जा रहा है ऑटो में बिठा के। और अपने लिए बुखार की दवाई भी ले आना, इसको भी बुखार आ रहा है दादा से। और इधर रोड बन रही तो रोड का भी काफी हल्ला हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी मैंने चटाई वगैरह यहीं पर रख रखी है इकट्ठा करके, अभी ऐसे नहीं बिछाई कुछ नहीं, चटाई चटाई कुछ नहीं बिछाई अभी। अभी मैंने दूध गर्म किया, वो सामने गैस में दूध रखा है और किचन की भी हो गई फाइनली सफाई। और वो उधर गुजिया का मसाला रख रखा है मैंने और अभी थोड़ी देर में गुजिया बनाऊँगी। तो चलिए दोस्तों पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद तब और काम तब करते हैं। तो मिलते हैं नहाने के बाद। तो हो गई मैं नहा धो के तैयार, तैयार क्या हुई मतलब नहा धो गई और इधर मैंने अपने कपड़े वपड़े भी धो लिए। और अब देखते हैं, थोड़ा रेस्ट करती हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या बनाते हैं। देखिए यहाँ पे डाल दिया इन्होंने कच्चा मटेरियल, रोड बननी स्टार्ट हो गई और उधर सामने लेबर खाना खाने लग गई है और हमारी रोड और बढ़िया हो जाइए। तो दोस्तों ये मैं हो गई रेडी और मैं जा रही हूँ अभी मिक्की को लेने, क्योंकि आज उसका पेट दर्द हो रहा है और आज उसका पेपर है डीएवी स्कूल में। तो वहाँ से मिल ले, टीचर की कॉल आई कि उसका पेट दर्द होता है, जो लड़कियों की जो भी प्रॉब्लम हो तो उससे उसका पेट दर्द हो रहा है। तो मैं उसको जा रही हूँ लेने और उसके बाद मिलती हूँ आपको। अगर दिखा सकूँगी तो आपको थोड़ा डीएवी स्कूल का नज़ारा दिखाऊँगी। तो चलिए दोस्तों चलती हूँ मैं मिक्की को लेने। तो देखिए दोस्तों सामने डीएवी पब्लिक स्कूल है, अभी मिक्की तो आई नहीं। ये संजू आ गए पेपर देके, कैसे गए पेपर? ठीक ही था, फर्स्ट क्लास। अरे यार okay. ये आ गई मिक्की, ये मरीज आ गई। इसके हमेशा यही काम रहता है ना संजू? पिछली बार भी है ना, किस कौन सी स्कूल में? हेरिटेज में पिछली बार भी हेरिटेज में ऐसी पड़ी हुई थी। हां बाय। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए घर और अब बदलती हूं मैं कपड़े वगैरह। क्या सारे दिन की दिनचर्या ऐसी है मेरी, सुबह से लगी हूँ काम पे पर काम ही नहीं हटता। और अभी आज दिन के बज गए 2 या 2:30 बज गए मेरे को लग रहा है। तो अभी तक मैंने खाना वाना कोई कुछ पता नहीं है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, खाना का कोई वही नहीं है। अभी गुजिया भी बनानी है, अच्छी हुई, देखते हैं फिर क्या बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों वैसे ही मयंक मैगी खाता नहीं है और आजकल देखिए मैं यहाँ पर गुजिया बना रही हूँ ना, और ये लगाया मैगी बनाने पे क्योंकि मैंने खाना बनाया नहीं, क्योंकि सुबह से मेरा बहुत काम हो गया था जिसकी वजह से मैं खाना नहीं बना पाई। देखिए दोस्तों मैंने इतनी सारी गुजिया बना दी और अब इनको तल रही हूँ मैं। और ये मिक्की, अच्छा और ये मिक्की सुबह से परेशान हो रखी है, आज मेरा मिक्कू बीमार हो रखा है, मेरा मिक्कू। अरे मयंक, अरे तो उधर सो रखी है, मिक्की मेरी हेल्प कर रही है आज। मैं तो देखिए दोस्तों आज फिर गुजिया के साथ, क्योंकि कल पूरी नहीं बनी ना तो थोड़ा आज बना देती मैंने कहा। ये देखिए बन गई एक आंट, तो अब नहीं बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा थक गई मैं। ये बन गई हमारी गुजिया। पहला बनाया यहाँ से भी जाने दिखा दे, मेरा मुँह भी दिखा दे। और ये हो गई दूसरे धान की तैयारी। माँ कसम इतना कमर पटाया गया ना मेरा आज, थक गई मैं आज बहुत ज़्यादा, कल भी यार आज भी दो दिन बस, आज फाइनल कर दूंगी इनको, आज पूरा हो जाएगा ये। तो देखिए दोस्तों अब रह गई 3 प्लेट, माँ कसम कर बनाते बनाते इतना थक गई कि क्या बोलूँ मैं, अब खाली 3 प्लेट रह गई है। और एक कढ़ाई में डाल रखी है आधी और एक आनी निकाल ली, अकेले गुजिया बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बाप रे। तो देखिए दोस्तों फाइनली मैंने आज ये पूरी गुजिया ख़त्म कर दी बना के, नहीं तो मेरे को इतना सिर दर्द हो रहा था कि कब बनेगी कैसे बनेगी। तो ये काफ़ी हो चुकी हैं अब, और गाँव भी भेज दी मैंने कल की बनाई हुई गुजिया और ये आज की बनाई हुई गुजिया बच्चों के लिए और जो हमारे घर में होली के लिए आएगा, होली को आएगा बैठने के लिए, तो
तो वो भी खा सकते हैं। तो दोस्तों आप भी आइए और गुजिया का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मैं कल से बहुत थक गई हूँ, तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं चाय वगैरह बनाती हूँ। तो तब देखते हैं, 5:30 हो गए भाई, 1 मिनट का आराम नहीं है सुबह से, तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों आज रोड इतनी बन गई हमारे मोहल्ले की, तो कल इसमें पक्का होगा। आज ये देखिए, आज इतना कच्चा हो गया ये, और ये मटेरियल भी यहाँ पर आ चुका है, और कल ये पूरा पक्का हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, रात भी होने वाली है, और थोड़ा देर में लेट गई थी, आराम करने लगी थी, और अब मैं बनाती हूँ नमक पारे भी बनाने मुझे अभी, और बनाती हूँ मैं बच्चों के लिए चाय। ये देखिए दोस्तों, देखिए कौन आ रहा है, ये आ गया, क्या बोलूँ मैं इसको, खेल के हंस रहा है वहाँ से। तो फाइनली दोस्तों गुजिया तो ये बन गई, और अब बनाने मुझे नमक पारे। तो देखिए दोस्तों, इसके बना रहे हैं हम नमक पारे, क्योंकि मैदा ज़्यादा हो गया, और कौन खाएगा कुछ इतनी, तो इसके आगे नमक पारे बना देते हैं। इससे अच्छा तो वही बना देती है, नहीं नमक पारे अच्छे होते हैं। और अब बनाती हूँ मैं रात की रोटी सब्जी, 9 बजे, और कब मैं ब्लॉग एडिट करूँगी, कब क्या करूँगी, तो मैं फटाफट रोटी सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि स्वामी जी के आने का टाइम भी होने वाला है। तो आज का ब्लॉग इतना ही, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको अपनी न्यू वीडियो में।